हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई। ओके, ये ठीक है, ये वीडियो पर पार्ट फोर्थ है। ओके, पहले के आपने तीनों भी वीडियोस देख लिए होंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा की, और एक इंट्रोडक्शन वाला है। ओके, अब देखिए थर्ड किंगडम है, किंगडम फंगाई। इसमें देखो क्या हमें देखना इम्पोर्टेंट क्या है, फंगाई जो है वो फंगाई जिस किंगडम में आता है वो पूरे फंगाई जो है उसमें हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, पूरे फंगाई जो है वो हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक मतलब डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ओके, अब उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है, वो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट की वजह से बहुत डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, डिफरेंट हैबिटेट है। ठीक है, आप फंगाई को देख सकते हैं मॉइस्ट ब्रेड पे, गीली ब्रेड देखे होंगे, ठीक है, या फिर रोटेन फ्रूट्स। ओके, कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं या टोडस्टूल, ये भी फंगस है। आपने ब्रेड पे देखे होंगे फंगस आ जाता है जब ब्रेड बासी हो जाती है, ये सब कुछ फंगस है। ठीक है, फिर देखे होंगे कि वाइट स्पॉट दिखते हैं मस्टर्ड लीफ पे, आपको लीव्स पे जो वाइट स्पॉट दिखते हैं प्लांट के लीव्स पे, वो भी फंगस है, पैरासाइटिक फंगस है। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट में प्रेजेंट है। अब यूनिसेलुलर फंगाई में आता है ईस्ट, बाकी सब जो फंगाई है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर फंगस में आ रहा है, यूनिसेलुलर फंगाई में आ रहा है ईस्ट। ईस्ट क्यों यूज़ होता है? ब्रेड और बियर बनाने के लिए। कौन सा ईस्ट है यहाँ पे? सैक्रोमाइसीस सेरेविसीस। ठीक है, अब देखो जैसे पैरासाइटिक हमने देखे, पैरासाइटिक फंगस है तो ये डिसीज कॉज कर सकता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके, ठीक है, जो वीट देखो अब कौन सा डिसीज कॉज करता है, देखो वीट रस्ट कॉजिंग प्यूक्सिनिया। ठीक है, जो वीट प्लांट में वीट रस्ट कॉज करता है उसको बोलते हैं पक्सीनिया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फंगाई से एंटीबायोटिक्स भी मिल सकते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम से मिल सकते हैं। ठीक है, फंगाई कॉस्मोपोलिटन है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, सब में रह सकता है, और प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी एज ए पैरासाइट रह सकता है। ठीक है, और वार्म गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहेगा, इसलिए देखो ब्रेड पे जो फंगस आएगा, फंगस नहीं आने के लिए उसको हम ठंडे इन्वायरमेंट में मतलब रिफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, अब आप देखो आगे क्या है, हमने पहले ही बोले थे कि एक्सेप्शनल केस है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी के फंगस जो होते हैं फिलामेंटस या मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं हम, फिलामेंट बनाते हैं वो। ठीक है, अब इनके बॉडी पे देखो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हाइफी बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हाइफे होते हैं। हाइफे क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे नेटवर्क्स बनाते हैं ऐसे, तो इसको बोल रहे हैं माइसीलियम। ओके, सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल विद मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफे। तो सिनोसाइटिक हाइफे किसको बोल रहे हैं? वो हाइफे को जिसमें जिसके साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जो जिसके है। ठीक है, न्यूक्लियस एक से ज़्यादा है, ऐसे हाइफी को बोल रहे हैं सिनोसाइटिक हाइफी। याद रखो हमने हाइफी देखे, हाइफी क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और सिनोसाइटिक हाइफी क्या है? जो हाइफी के साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो फंगस है इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से। अब देखो कि हमने देखे कि मोस्ट ऑफ द फंगस हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द फंगस याद रखो हेटरोट्रॉपिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं तो वो फूड कैसे लेते हैं? तो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्जॉर्व करते हैं वो डेड और डिकेड सबस्ट्रेट से, ऐसे वाले फंगस को बोले सैप्रोफाइट। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है, ऐसे फंगस को बोल रहे हैं कि वो सैप्रोफाइट्स है, और अगर लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड है तो वो पैरासाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये सिम्बायंट कि जैसे भी रह सकते हैं, सिम्बायंट मतलब किसी के साथ एसोसिएशन बना के, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगर ये फंगाई अलगी के साथ मिल गया तो क्या बन गया? लाइकिन। ठीक है,
फंगाई अल्गी के साथ एसोसिएशन बनाता है और लाइकेन बन जाता है, ठीक है, ऐसे भी रह सकते हैं, या फिर फंगाई जो है वो रूट्स के साथ भी रह सकता है, एग्जाम्पल माइकोराइजा है, ठीक है, तो ये याद रखो। एज अ सैप्रोफाइट मतलब डेड और डीकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को अब्जॉर्ब करके, या फिर पैरासाइट लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स में रह सकता है, या फिर लाइकेंस बन के अल्गी के साथ एसोसिएशन बनाएगा, या फिर कोई भी रूट के साथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ माइकोराइजा बनाएगा, ठीक है। अब क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन से भी होता है, असेक्सुअल से भी और सेक्सुअल से भी। वेजिटेटिव मीन से तीन है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। अब देखो, फंगस है, फंगाई आ रहा है एफ से, तो फिर वेजिटेटिव मीन भी याद रखो एफ से, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, एक एक्स्ट्रा याद रखो बडिंग, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स फॉर्मेशन से है। देखो इसको आगे हम क्या है सब कुछ डिटेल में, स्पोर्स फॉर्म हो गए इसके अंदर। अब देखो कौन से स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हो रहे हैं कोनिडिया जिसको बोल रहे हैं स्पॉन्जी स्पोर्स और जू स्पोर्स, ठीक है, कोनिडियो स्पोर्स बोल सकते हैं, कोनिडिया, स्पॉन्जियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। 1 2 3, कोनिडिया, स्पॉन्जियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, इसमें भी तीन है, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, याद होगा। देखो सब में तीन तीन आ रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आ रहा है, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। असेक्सुअल में आ रहा है कोनिडिया, स्पॉन्जियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, और सेक्सुअल में आ रहा है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये किस में बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल साइकिल में तीन स्टेप इन्वॉल्व है, प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, कार्योगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस मतलब जो न्यूक्लियस का फ्यूजन, सबका फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होना और हैप्लॉइड स्पोर बनना, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेप्स है, प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कार्योगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और बाद में जब का फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसका मियोसिस होना, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो याद रखो प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी एंड मियोसिस इज दी आर दी थ्री स्टेप्स, ओके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंगस अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअली, तो देखो टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंगाई, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। जैसे फ्यूजन हो रहा है दो उसका, मतलब दो प्रोटोप्लास्ट का, दो कार्योगैमी का, तो दो हैप्लॉइड से क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड, राइट, एक एन से टू एन, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरे फंगस में, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में, यहाँ पर डायरेक्टली टू मतलब टू हैप्लॉइड से एक डिप्लॉइड ऐसे टू एन नहीं बनेगा, ठीक है, एक एन से, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक स्टेज आएगा डाइकैरियोटिक स्टेज, एन प्लस एन स्टेज, डाइकैरियोन बोलेंगे इस फेज को, बोलेंगे डाइकैरियोफेज, ठीक है। मतलब वहाँ पे फ्यूजन होगा प्रोटोप्लास्ट का, मतलब प्लाज्मोगैमी होगी लेकिन कार्योगैमी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। दो न्यूक्लियस वो सेल, दोनों सेल तो मिल जाएंगे प्रोटोप्लास्ट के, लेकिन दो न्यूक्लियस उसके अंदर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और फिर डिप्लॉयड बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस स्टेज को, इस फेज को बोले डाइकैरियो फेज, और बाद में ये बनने के बाद फिर मियोसिस होगा, ठीक है। किस में हो रहा है ये, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है, याद रखो ये किस में हो रहा है, ये इसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। अब देखो क्या है फर्दर, चार टाइप्स में ये डिवाइडेड है, चार क्लासेस में किंगडम फंगाई, किसके बेसिस पे है, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यस, देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इन सब के बेसिस पे। सबसे पहले क्या है, फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज है सेकेंड नंबर पे, देन बेसिडियन डिटोरो। इसको बहुत फास्ट देखेंगे, ईजी है ये।
मोस्टली फैकोमाइसिटिस का जो है वो एक्वेटिक हैबिट है, थे हम जिस पे अंडरलाइन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उतना ही याद रखो। एक्वेटिक हैबिटेट, डिगिंग वुड एंड मॉइस्ट डैम प्लेसेस, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, एक्वेटिक में हैबिटेट है, लीकिंग वुड मतलब मॉइस्ट मॉइस्ट प्लेसेस में होता है, और पैरासाइट के फॉर्म में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इसका माइसीलियम जो है वो असेप्टेड है, सीनोसाइटिक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स मोटाइल रहेगा, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंडोजेनसली। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा तो जाइगोस्पोर फॉर्मेशन, सिमिलर इन साइज है उनके गैमेट्स तो आइसोगैमस, डिससिमिलर इन साइज है गैमेट्स तो अनआइसोगैमस और ओगैमस। एग्जाम्पल यहाँ पे तीन है, एक है राइजोपिस जो ब्रेड में होता है, एक है अल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंगाई है, और एक है म्यूकर। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ARM जो हाथ का ये आम होता है ना, ऐसे A फॉर अल्ब्यूगो, R फॉर राइजोपस, M फॉर म्यूकर। अल्ब्यूगो फॉर ब्रेड, सॉरी अल्ब्यूगो फॉर पैरासाइटिक ऑन मस्टर्ड, राइजोपस फॉर ब्रेड, ओके। इतना याद रखना है। हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में होता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इतना याद रखना है। माइसीलियम इसका असेप्टेड और सीनोसाइटिक है, एंडोजेनसली ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके स्पोर्स, जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, जाइगोस्पोर भी है, और आइसोगेमस अनआइसोगेमस एग्जांपल भी याद रखने हैं, ठीक है। देन आ गया एस्कोमाइसिटिस, कॉमनली कॉल है सैक फंगाई, इतना इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मल्टी सेलुलर है पेनिसिलियम जैसे, लेकिन यूनिसेलुलर का एग्जांपल हमने पहले ही बोले थे, ईस्ट आता है जिसको सैक्रोमाइसिस बोल रहे हैं। ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और कॉर्पोफाइलिस। कॉर्पोफाइलिस मतलब ग्रोइंग ऑन अ डंग, ठीक है, डंग पे ग्रो करना। अब इनका माइसीलियम कैसा है देखो, इनका माइसीलियम है ब्रांच्ड और सेप्टेट, ठीक है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कोनिडिया है जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है कोनिडियो फोर्स में। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्को, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोल रहे थे ये, और सेक्सुअल को एस्को स्पोर्स, ये एंडोजेनसली बन रहा है, कोनिडियो का एक्सोजेनसली याद रखो। किस में बन रहा है, एस्काई में जो कि सैकलाइफ फंगा है, और एस्को कार्प, दीज एस्का अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज को बोल रहे हैं एस्को कार्प। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है देखो, एस्परजिलिस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो यूज होता है जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में, मोरल्स और ट्रफल्स भी है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि सैक फंगाई कॉमनली बोलते हैं, मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम आ रहा है, यूनिसेलुलर में ईस्ट आ रहा है, ये सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक कॉप्रोफाइलिस सब हो सकते हैं, माइसीलियम सिनोसाइटिक और सेप्टेट है, स्पोर्स बन रहे हैं असेक्सुअल कोनिडिया, सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स कोनिडिया बन रहे हैं, एक्सोजेनस कैसे याद रखेंगे अब, कौन कैसे बन रहा है, कोनिडिया सी से आता है, एक्सोजेनस में एक्स आ रहा है, ऐसे याद रख दो। और दूसरा जो एस्कोस्पोर है वो एंडोजेनसली याद रखो, और बाकी एग्जाम्पल्स एस्परजिलिस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है, इसमें पीछे जो एग्जांपल्स है वो भी डाल देना, पेनिसिलियम और ईस्ट, ठीक है। अब नीचे आ जाओ बैसिडियोमाइसिटीज पे। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, कॉमनली ये मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाइज और पफ बॉल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉइल और लॉग्स ऑफ ट्रीज पे है, पैरासाइट भी होते हैं ये, पैरासाइट फॉर्म को बोलते हैं रस्ट या स्मट, ठीक है। माइसीलियम इनके पास भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है, असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स वेजिटेटिव होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्स ऑर्गेन भी एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और ये हो रहा है, ठीक है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, असेक्सुअल भी मतलब सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है। और सबको पता है वेजिटेटिव क्या है, फ्रेगमेंटेशन, जिस अब हमने देखे थे कि डाइकारियोफेज किस में बन रही है, एस्कोमाइसिटिस में और बैसिडोमाइसिटिस में। अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है कि बैसिडोमाइसिटिस में हो रही है, डाइकारियोटिक फेज बन रही है, ठीक है। उसके बाद फिर कारियोगैमिन और मियोसिस भी हो रहा है आगे, ठीक है। अब इसके जो फोर स्पोर्स बन रहे हैं बैसिडियो स्पोर्स, ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं,
बैसिडियम में, बैसिडिया के फ्लोटिंग बॉडीज को बोल रहे हैं बैसिडियोकार्प, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे, देखो यहाँ पे बोल रहे थे एस्कोकार्प्स, ठीक है, ये वैसे ही नीचे वाले को बोल रहा है बैसिडियोकार्प्स। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, देखो जो पैरासाइटिक फॉर्म है उसको रस्ट और स्मट्स बोल रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल्स में देखो एगारिकस जो मशरूम है, स्टिलैगो क्या है ये, स्मार्ट है, और प्रोक्सीनिया जो रस्ट है जो वीट पे होता है, ठीक है। और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको बोल रहे हैं इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों ऐसा, क्योंकि इस पे सिर्फ सेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही है, ओके सॉरी असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही है, सेक्सुअल फेज नहीं होती है, ठीक है। अगर इनके इनके अंदर ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल फेज डिस्कवर हो गई तो उसको या तो बैसिडियोमाइसिटिस में भेज दिया जाता है या तो एस्कोमाइसिटिस में, ठीक है। इसमें सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होते हैं, ठीक है। अगर ये दो ही हो रहे हैं तो ये ड्यूटेरोमाइसिटोसाइट वो फंगा है ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर आता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको दूसरे क्लासेस में, फॉर एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटिस और बैसिडियोमाइसिटिस में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जो असेक्सुअल स्पोर्स ही बन रहे हैं वो कौन से हैं, कोनिडियो स्पोर्स। देखो एस्कोमाइसिटीज में भी जो असेक्सुअल स्पोर्स बन रहे थे वो कोनिडियो स्पोर्स ही, कोनिडिया ही थे मतलब, ठीक है। अब माइसिलियम ब्रांच सेप्टेट है और कुछ मेंबर्स के सैप्रोफाइट है, पैरासाइटिक है, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में, मतलब अगर पूछे कि कौन सी क्लास फंगाई के मिनरल रिसाइकिलिंग में हेल्प करती है तो लिखना है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज हेल्प करती है। एग्जाम्पल तीन है, ए टी सी, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडम और कॉलेट्राइकम, कॉलेटोट्राइकम, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो माइसीलियम थे तीनों के भी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, सब इनमें से सिर्फ स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वाला जो है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है फाइकोमाइसिटीज, इसमें ही सिर्फ कैसा है माइसीलियम, असेप्टेट और फिनोसाइटिक, और बाकी सब में जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा किंगडम फंगाई जो है कंप्लीट हो गया। अभी इसके आगे यहाँ पे लिखा है किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी, ठीक है। दूसरे इसके आगे के पेज जो है किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी का शॉर्ट शॉर्ट में गिवन है, हम वो नहीं देखेंगे। ये चैप्टर के बाद हम प्रॉपर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया स्टार्ट करेंगे, उसमें ही हम वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, पार्ट फिफ्थ आएगा वीडियो का, जिसमें वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, प्रायंस पढ़ेंगे, वो लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने स्टार्टिंग के पहले भी पूरे पार्ट्स देख लिए हैं और वो लास्ट वाला भी पार्ट देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ओके शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और बाकी के वीडियोज़ भी देखो। बाद में वो जो लास्ट पार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने को मिलेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम सॉल्व कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।